जहां मधमहेश्वर क्षेत्र में वंतोली गुंडार के मोरकंडा नदी पर बना पुल भारी बारिश के कारण बह गया था। वही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि सूचना मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देशों पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट टीमें भी मौके पर पहुंची और साथ ही स्थानीय गुंडार के ग्रामीणों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नानू चट्टी में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। वही जिलाधिकारी सौरभ गहरवार तुरंत रेस्क्यू कार्य के लिए घटना स्थल पहुंचे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर फंसे 106 यात्रियों को हेलीपैड से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि गोंडार एवं मधमहेश्वर को जोड़ने वाला पैदल पुल टूट गया है, जो कि मोरकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यह पुल बह गया था, जिससे कि मधमहेश्वर में कई सारे यात्री फंस गए थे। जिला अधिकारी महोदय के निर्देशों में तत्काल रेस्क्यू कार्य चलाया गया, जिसमें कि ग्रामीणों द्वारा अस्थायी हेलीपैड नानू चट्टी में बनाया गया तथा हेली रेस्क्यू और वहाँ से हेली रेस्क्यू रांची तक किया गया, जिसमें कि 106 यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर रांची हेलीपैड लाया गया, जिसमें कि एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट आदि उपस्थित थे।